अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कू, हमको तुमसे तलाक चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोगों को तलाक चाहिए, मिलेगा तलाक। पर आज के प्रकरण में मसला ये था कि संजीव और कु यहाँ रह सकते हैं या नहीं। इस विषय पर यह अदालत निर्णय देती है कि जब तक तलाक की कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है, कु और उनके परिवार को इस घर में रहने की इजाजत है। आज की कार्यवाही समाप्त। याद है हमको कि जब हम यहां से इस घर से जा रहे थे तो तुम हमारे साथ नहीं चले और हम भी तुमको छोड़ के चलती है। लेकिन तुमको मालूम था ना कि हम यहाँ लौटेंगे तुम्हारे पास। बोले बाबा, तुम अंतर्यामी हो, तुम सब कुछ जानते हो, बस रह रह के हमारा परीक्षा लेते हो तुम। अब हम भी अपने जिंदगी में संघर्ष करते करते थक गए हैं। अभी घर हमारा सुहाग, इसका रक्षा करना तुम्हारा जिम्मा, और ये सिंदूर का बाटी तब तक हम नहीं उठाएंगे जब तक कि राजी बाबू के मन में हमारे खिलाफ भरा हुआ जहर जाए। जब वो जहर निकलेगा भोलेनाथ, तभी हम इस सिंदूर का बाटी उठाएंगे। मुझे भी पूरा यकीन है कि मेरी कुह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इस पूरे परिवार की सारी उलझनों को दूर करके रहेगी, अपने संकल्प में सफल होगी। पता नहीं बुआ जी, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। कहे कि हमारे अंदर बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, और ये पीड़ा और दुखना भीतर ही भीतर हमको तोड़ रहा है। ये दीपक तू नहीं जलाया ना बेटा? देखना कैसे इस दीपक ने अपनी रोशनी से पूरे मंदिर को प्रज्वलित करके रखा, लेकिन दीपक तले सिर्फ अंधेरा है। तो इस दीपक की तरह है को सारे संसार को, इस परिवार को अपनी रोशनी से जगमगाए रखती है, पर खुद दुख के अंधेरे में जीती है। अब और नहीं बेटा, हो गया। तुम्हें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में रोशनी लानी होगी को भले बाहर संसार में उजाला फीका पड़ जाए, तेरे मन के भीतर रोशनी चकमकानी चाहिए। अपने लिए, राजीव के लिए, इस परिवार के लिए अपने मन के भीतर रोशनी लानी होगी। समझिए, बिल्कुल ऐसे ही अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपनी जिंदगी पर ध्यान लगा। जी बुआ जी, हम करेंगे, हम मानेंगे आपका कहा,
वो दिन दूर नहीं जो इसी सिंदूर की बाटी से हमारे राजी बाबू हमारा मांग भरेंगे। सफर थोड़ा कठिन है बुआ जी, लेकिन सफर शुरू हो गया है और हम मंजिल पाके रहेंगे, करेंगे हम। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। अमीश, तुझे सफलता मिलेगी। संभल के जाओ। आराम से आराम से। आंखों से लाचार हो क्या, दिखाई नहीं देता? जाओ अंदर। गलती हो गई। क्या हो गया आपको? आप हमसे नाराज हैं या खुद से? आपसे भी नाराज है और अपने आप से भी नाराज है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब में हम आपका साथ क्यों दे रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? काहे कि आप हमारा बहुत इज्जत करते हैं और हम और आप दोनों इस घर से और इस परिवार से बहुत प्यार करते हैं। अरे ये कैसा प्यार है आपका उस परिवार से जिसने आज तक सिर्फ और सिर्फ आपके जड़े खोदी है, आपको तबाह करने की कोशिश की है। अरे ये कैसा प्यार है आपका? हम अपना घर वापस आए हैं संजीव बाबू, वो घर जहाँ आप और राजीव बाबू का जन्म हुआ, वो घर जहाँ आप माँ और बाबा का हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर बड़े हुए, सर उठा के जीना सीखे हैं, उस घर में वापस आए हैं जहाँ आपके देव बाबा और माँ जैसी बुआ जी रहती हैं। आपने देखा ना किस हालत में हैं दोनों, कि पिछले 7 सालों में वो कैसे जिए हैं, वो हम दोनों देखे हैं कि का हालत हो गई है, बड़का बाबू का थे और का हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि उनको और इस घर को हमारी और आपकी जरूरत है? माने आप अपने बुजुर्गों को इस हाल में छोड़कर आप आगे निकल पाएंगे? बताइए ना, ऐसा कर पाएंगे आप? हम यहाँ अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए आए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। खेलो 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 खेलो। ओ फोर। अरे किधर किधर किधर। वन टू थ्री फोर। 7 बरस बाद देव को इतना हंसते हुए देख रहे हैं और वो भी इसीलिए क्योंकि वो वापस लौट आई है। बीमार शक्ल पर मुस्कान कैसे खेल रही है उसने, देखिए ना। और वो भी इसीलिए क्योंकि हर सुबह की शुरुआत कुहू को देख कर होती है। अब तो देवी माँ से सिर्फ यही प्रार्थना है कि ये घर फिर से जुड़ जाए जैसे पहले हुआ करता था, सब में एका हो जाए। और ये संभव है क्योंकि कुहू है और वो करके रहेगी, पूरा यकीन है हमें। क्या सोच रहे हैं हम? यही कि हम खुशी मनाए या दुख, कल तक जिस बड़ी बेटी को हमने मरा हुआ माना था, यहाँ कर देखा वो जिंदा है, तो हमको तो खुश होना चाहिए ना। पर हमारी वही बेटी, हमारी छोटी बेटी की जिंदगी को नरक बना दिया। कुहू का सुख चैन, यहाँ की उसके सुहाग को भी छीन लिया, कुहू को दर दर पर भटकने पे मजबूर कर दिया। वही बेटी जिंदा है तो हमको क्या करना चाहिए? खुश हो जाए कि दुख मनाए? अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।